धार्मिक स्थल पूजा अधिनियम को लेकर के जो आपने याचिका दायर की है उसके विषय में क्या कहें? देखिए, औरंगजेब ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि जहां जहां हमारे पूजा स्थल थे, प्रमुखतः जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, यहां उसने बड़ी बर्बरता की। और बर्बरता करके औरंगजेब जैसा था, इतिहास जानता है, मैं उसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर जुल्म किए हैं, कत्लेआम किए हैं, तो हम उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में प्रार्थना रखें, अर्जी रखें, अपनी बात रखें। और लोकतंत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यह कार्य बहुत जरूरी है। पर 91 में नरसिम्हा राव सरकार ने यह कानून ले आए कि जो पहले की स्थिति है वही रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए देव स्थल क्या महत्व रखते हैं ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उनको भी अगर हम मथुरा में जन्मभूमि पे जाके सेवा नहीं कर सकते, काशी में जाके नहीं गौरी देश पूजन कर सकते, तो इससे जो हमारी भावनाएं हर्ट हो रही हैं, कष्ट मिल रहा है, उसको हम लोग अगर कोर्ट में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। इसलिए लोकतंत्र की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है, हमने अर्जी दाखिल की है और हम चाहते हैं कि ये लोकतंत्र की सुंदरता बनी रहे। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, भीड़ तंत्र हो जाएगा, और भीड़ तंत्र में तो फिर कभी देश का निर्माण नहीं होगा। देश के निर्माण के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र बना रहे, और लोकतंत्र के लिए हम सबके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रहे, बहुत जरूरी।